तद्भक्ताय नमो वंशाकृतश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोरतिसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे आविर्भाव दी थी हैं? और उनके बारे में आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में पुष्पांजलि प्रदान किया। उनके जीवन चरित्र आदर्श ये सब बारे में आप लोगों ने अपने अपने हृदय से अर्पित किया। बहुत सुंदर लगा कथा सुन करके। भक्ति विनोदीर दया करह विचार विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार। भक्ति विनोद ठाकुर की दया के यदि हम विचार करें चित्त प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए कहते भक्ति विनोदीर दया करह विचार विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार। भक्ति विनोद ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे है? क्यों भक्ति विनोद ठाकुर अपने स्वरूप के परिचय दिया। आज तक किसी आचार्य ने संपूर्ण रूप से अपने स्वरूप के परिचय नहीं दिया। कहीं सामान्य रूप में इंगित के रूप में हिंट्स के रूप में अपने स्वरूप के परिचय दिया। किंतु देखो भक्ति विनोद ठाकुर अपना स्वरूप के उन्होंने परिचय दे दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर कह लिखे बरने तोड़ी तो बास तारा बोली कमल मंजरी नाम सानंद सुखद धाम कोरपुर सेवा ललितार गण राधा जुथेश्वरी हन ममेश्वरी ना श्रीनंद नंदन आमार परम धन श्रीरूप मंजरी प्रभृतिर सम जुगल सेवाय आस अवश्य सेरूप सेवा पाबो आमी पराकाष्ठा सुविश्वास कबे बा ए दासी संसिद्धि लोभिबे राधाकुंडे बास करी राधा कृष्ण सेवा सतत करिबे पूर्वे स्मृति परिहरी। देखो भक्ति विनोद ठाकुर अपने स्वरूप के परिचय दे रहे। जैव धर्म ग्रंथ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं जीव की स्वरूपगत जो धर्म जो है बस स्वरूपगत परिचय अपने आप प्रकटित होगा। क्योंकि जीव गठन के समय जीव जब तत्वशक्ति से प्रकट हुए उस समय भगवान की इच्छा से ही
वो पोटेंशियल रूप में सब कुछ है, है? वो भजन करते करते और संत महात्मा की संग के प्रभाव से वो क्या होगा, प्रकाशित होगा, है? ओके, ठीक उसी प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर जैवधर्म ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। और हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में वर्णन कर रहे हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कभु नय वो श्रवणादि शुद्ध चित्ते कर उदय, वो तुम्हारे पास है ही, वो पोटेंशियल के रूप में है, सूक्ष्माति सूक्ष्म में, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में है। जिस प्रकार बीज में पोटेंशियल के रूप में वो सब कुछ रहता है, जब वही बीज जब अनुकूल मिट्टी में संस्पर्श हो जाए, वायु संस्पर्श हो जाए, जल संस्पर्श हो जाए, वो अंकुरित होकर के फिर वो पौधा फिर पेड़ होकर के फूल और फल आदि प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार जीवों के हृदय में वो सब सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में है, केवल सत्संग के द्वारा उसको प्रकाश करना है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जैवधर्म ग्रंथ में प्रमाण भी दे रहे हैं, एक ही गुरु है, दो शिष्य है, विजय कुमार और ब्रजनाथ, दोनों ही एक ही मंत्र जप किया, गोपाल मंत्र कामगत्री, किंतु देखो विजय कुमार सखरस की प्राप्त हुई है ना, ब्रजनाथ सखरस प्राप्त किया और विजय कुमार माधुर्य रस है ललितास के अनुगत्य में सखी भाव प्राप्त किया, एक सखरस में चले गए और दूसरी माधुर्य रस में गए, क्योंकि जो तुम्हारे पास है मंत्र आदि जप आदि के द्वारा साधु संघ के द्वारा अनर्थ निवृत्ति होने पर वो स्वयं प्रकाशित होगा, है? बहुत लोग अपसिद्धांत प्रचार कर देते हैं, बोले जैसे संग करोगे ऐसे होगा, बोले ये बात को आप मत समझिएगा, है? इसके बार बार हम दृढ़ता के साथ मैं बताता रहता हूं, है? वो जब समय पर आएगा वो अपने आप प्रकाशित होगा, है? इसको समझना चाहिए बस। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जैवधर्म ग्रंथ में भी वर्णन करते हैं, साधक भजन करते करते श्रद्धा से लेकर के श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ मृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव दशमें जब पहुंच जाते हैं और भावों की परिपक्व अवस्था होने पर द मैच्योर स्टेज ऑफ भाव, उस समय प्रेम राज्य में जब प्रवेश करता है, उस समय साधक के हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है, उसमें किसी प्रकार अनर्थ की गंध तक भी नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है अनर्थ कहाँ कैसे कैसे अनर्थ दूरीभूत होता है, ये भी दिखाया गया, एकादशी वर्तिनी बहुदशी वर्तिनी प्राय की पूर्णा और आतंत की दशा, आतंत की दशा में जब चले जाते हैं इसके बाद प्रेम दशा में जब पहुंच जाते हैं तब किसी प्रकार अनर्थ आने की किसी प्रकार संभावना नहीं रहती, उस समय साधक अपने स्वरूप की उपलब्धि कर लेते हैं। ये सब भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर रूप में जैवधर्म ग्रंथ में वर्णन किया। और इसी को कैसे प्राप्ति करे, स्थान कैसे प्राप्ति करे, है तो तुम्हारे पास किंतु उसको कैसे प्राप्ति करे, उसने कहा था एकादश भाव और पंचदशा के बारे में बताया, कितने बताया, 11th मूड्स और 5 स्टेजेस जिसके पंचदशा कहा जाता है, है? ये सब धीरे 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 जितने भी आपकी भजन परिपक्व होते जाएगा, है? गुरु पादबोध में सदगुरु क्या करेंगे आपके उसी प्रकार निर्देश देते रहेंगे, परिचालन करते रहेंगे, है? जो आपके सुंदर नाम भी है, नाम रूप गुण लीला सेवा पराकाष्ठा आज्ञा सेवा,
इसे कहा था एकादश भाव आपकी प्राप्ति होगा धीरे धीरे है। और फिर पंचदशा भी कहते हैं श्रवण दशा स्मरण दशा, श्रवण दशा स्मरण दशा भापन दशा है, और प्रेम संपत्ति दशा है। ये पंचदशा के बारे में है, श्रवण दशा है, स्मरण दशा भावी श्रवण स्मरण और भावापन दशा, ये सब पांच दशा के बारे में बताया गया। ये भजन करते 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 सत्संग में जब जितने भी जाओगे वो अपने आप आपके हृदय में प्रकाशित होगा है। इसलिए कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। इसलिए सत्संग की महिमा इतने बताया गया, साधु संग सर्वशास्त्री कहे लम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग। ये साधु संग के द्वारा तुम्हारे हृदय में जो पोटेंशियल है जो वस्तु है वो धीरे धीरे विकसित होगा, इतना ही तक है बस। भगवत इच्छा में आपके जो शक्कर रस के है शक्कर रस भी प्रकाशित होगा, जो दास रस के है उसके दास रस प्रकाशित होगा, जो माधुर्य रस के है श्रृंगार रस के जिसके है वो श्रृंगार रस प्रकाशित होगा, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है, है? भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर रूप में जयवधुमा ग्रंथ में इसके वर्णन किया है। और इसलिए लंप झंप करने से कुछ लाभ नहीं होता है, है? अधिकार ना लोभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि तार शक्तिर अभावे। अधिकार प्राप्त नहीं किया और अपने ऊंची ऊंची बातों की सोचने हम प्राप्त कर ले, नहीं होगा वो है। इसलिए भक्तिमान ठाकुर अपने कीर्तन भी लिखा पेड़ में नहीं चढ़ करके फल धरे करे टना टनी है। अरे पेड़ में फल लगा हुआ है, पेड़ में चढ़ना पड़ेगा और फल को लेना पड़ेगा है। और इसलिए कह रहे हैं फल पका ही नहीं है, कच्चा फल क्या कच्चा आज कच्चा फल को लेकर के है आप क्या करोगे, ना खा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। जिसको कहा जाता है भक्तिमान ठाकुर कहा जाता है क्या इंचोड़े पका, इंचोड़े पका समझते कि नहीं, नहीं समझते हो। कठाल छोटा छोटा जो कठाल होते हैं ना उसके बंगाल में कहते हैं क्या इंचोड़े कहते हैं, उसके सब्जी बनाओ है अच्छा होता है, है? किंतु वही अभी तो वो कच्चा है ना है ग्रीन है, है? उसके केवल सब्जी बना करके आप खा सकते हो। कोई सोचे उसके मैं पकाऊं, पकाने के लिए क्या करते हैं है? वो बोरी लगा करके माने बोरी है उसको क्या बोले रैपिड करके है उसको रखते हैं, सोच रहे ये पक जाएगा किंतु पकेगा नहीं, वो क्या होगा सड़ जाएगा। तात्पर्य क्या है ये भजन करते करते भजन किस स्तर पर नहीं पहुंच रहे और उसके पहले है, है? और जीवन के बर्बाद भी हो जाता है, परस्त्रीगामी हो जाता है, सोचते हैं जो पर क्या भाव हम करके है चले जाएंगे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है पर क्या भाव तो श्रेष्ठ भाव कहा कि नहीं कहा है। उस दिन तो मैंने काल जीव गोस्वामी पाद के बारे में बोलना था है, समय कम होने के नहीं बोला, क्योंकि ये पराकाष्ठा भाव क्या है परक्यत्व भाव ही श्रेष्ठ दिखाए तो वृंदावन से प्रकट होने की जो कारण जो बता रहे हैं अनुग्रह भक्तानां मानुसंग देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जाशुत्वा तत्परो भवित। नित्य गुरु वृंदावन से ये लीला को प्रकट करने के तात्पर्य क्या है? सर्वोत्तम जो भाव जो है पारक्या भाव को जगत में प्रकट करना है। इसलिए चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज स्पष्टीकरण करें वैकुंठाद्य नहीं जे सब वैकुंठाद्य वैकुंठाद्य नहीं जे सब लीला प्रचार से सब लीला हमी करीब लोके जाते है चमत्कार। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में ये सब लीला नहीं है, कौन सा लीला नहीं है पारक्या भाव लीला नहीं है।
और वही अप्राकृत गुरु ग्रंथ अप्राकृत पर की अभाव ट्रांसीडेंटल परम रिमोट को जगत में प्रकट करना है। ये जड़ जगत की परकिया तो नहीं है, ये तो नरकगामी है। मृत्यु के पश्चात वो बिल्कुल गड़गड़ गड़गड़ करके कहां जाएगा, वो नरक में ले जाएंगे उसको। हाँ, परस्त्री गामी व परपुरुष गामी उनकी अधोगति हो जाता है। है भाई, इसको अच्छी तरह से भक्ति ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं। ये अप्राकृत चित वस्तु जो है, गोपियों की जो परकेत्त भाव जो है, जिस परकेत्त भाव को जो है उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि कर रहे हैं, इसको कहते हैं अप्राकृत परकीय भाव। और परकीय भाव के द्वारा ही कृष्ण सर्वोत्तम राष्ट्र की रस आस्वादन करते हैं। जय जो जलो रस सर्वरस सार परकिया भवे जथा ब्रजिति प्रचार है। ये सर्वत्र उज्जवल रस किसको कहा जाता है, ये परकिया जो भाव रस जो है, है? ये परकियत्त सर्वत्र रस को जगत में प्रकट करना है। राष्ट्र लगता सक्य के द्वारा नहीं होगा। कृष्ण द्वारिकापुरी में 16,108 महिषियां थी, वहीं पर रस कर लेते है, रास नहीं हुआ होगा। रास कहां पर है, वृंदावन में, गोवर्धन में, राधा कुंड में, आज ने बताया था ना है। वृंदावन छोड़ करके बाहर नहीं होगा, ये वृंदावन के बृहद वृंदावन समझना चाहिए। राधा कुंड से लेकर के नंदगांव तक ये सब कहा जाता है बृहद वृंदावन कहा जाता है। और पंचकोशी वृंदावन जो अंतर्गृह में हम जो परिक्रमा लगाते हैं उसके कहा जाता है अंतर्गृह पंचकोशी वृंदावन परिक्रमा है। इसलिए ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं होता, राष्ट्र नहीं होगा, राष्ट्र ब्रज के अंदर ही होता, राज की ब्रज बाहर नहीं होगी है। इसलिए स्वयं कृष्ण विचार कर रहे हैं नित्य गोलोक वृंदावन धाम में तो हमारी है रास आदि होती रहते हैं, नित्य रास कहा जाता है, किंतु इस जगत में प्रकट कराना है। इस कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तासुर क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत। जो लोग भजन करते करते ऐसे सिद्धि दशा तक उपस्थित सिद्धि दशा तक चले गए और ऐसे सिद्ध महात्मा के हृदय में उस समस्त भाव उत्पन्न होता है। इसलिए कह रहा है अधिकार ना लोभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि तार शक्तिर अभावे। अधिकार तो लाभ नहीं किया और अपने को मंजरी समझ करके रसगुल्ला मंजरी जिलेबी मंजरी कचौड़ी मंजरी मतलब क्या है, कल्पित तो चिंतन नहीं होता है वो है। भजन करते करते गुरुपाद उसके ये समझते एकादश भाव और पंचोदशा को उसके निर्देश करेंगे। भाई जयधर ग्रंथ बुद्ध ये लिखा है, हम इसलिए करें भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं अपने को आचरण करके भी बोल रहे हैं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं करें बरे ने तोड़ी तो बास तारा बोली है कमल मंजरी नाम, अपने नाम के परिचय दे रहे हैं है। क्या नाम है, कमल मंजरी है। आपके नाम क्या है, अभी पता नहीं है है। आपके सुंदर नाम है, सब कुछ है आपके पास, आपकी नाम रूप गुण लीला पराकाष्ठा आज्ञा सेवा है, एकादश भाव सब कुछ है आपके पास है। धीरे 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 बढ़ी, इसलिए भक्ति मोहन ठाकुर देखो लिख रहे वरने तोड़ी तो बस तारा बोली है। कितने सुंदर उनकी जो कपड़े कैसी है, सुंदर जो है तारा बोली जुगता है और मई पुंछ जुगता है, जिसमें देखो है सानंद सुखद धाम और कौरपुर सेवा है। सेवा क्या, कौरपुर सेवा और ललितार गण, गण भी होता है और जुथेश्वरी सिराधा है, जुथेश्वरी कर और सिरूप मंजरी प्रभृति समूह जुगल सेवा आश। देखो
कृष्ण कैसे सुंदर सेवा की परिकृष्ठ सेवा की पराकाष्ठा भी दिखा रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद की आदि सखियों की अनुगत्य में सेवा की पराकाष्ठा बता रहे हैं पर है। इसलिए करे सिरूप मंजरी प्रभृति सम जुगल सेवा रो आस अवश्य स्वरूप सेवा पावो आमी पराकाष्ठा सुविश्वास कभी वा इदासी संसिद्धि लोभिवे राधा कुंडे वास करी है। वास कहाँ पर होगा? राधा कुंड है सर्वोत्तम स्थान है। ये समस्त बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। अधिक जानना चाहते हो तो मेरा वो ग्रंथ पढ़ लो हृदय रत्न ग्रंथ अथवा ज्वल शब्दार्थ पढ़ो। सारे ग्रंथ को मैंने निचोड़ करके है और मैंने प्रमाण के रूप में सब दिया। पढ़ो आप, यदि आपके किसी संशय है मुझे प्रश्न करना, इधर उधर मत करो, मुझे प्रश्न करो है। मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने सब प्रमाण दे करके लिखा। जो भक्ति ठाकुर जहाँ जगह जैसे हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ की जो है इस हरिनाम ग्रंथ चिंतामणि की ये द्विपाठ कहा जाता है और उसी के जो है गुरुदेव जो प्रवचन दिया था उस कथा को सुन करके मैंने नोट बनाया था और फिर परवर्ती काल में उसको ज्वेल शब्द ज्वेल शब्दाहट है उसके रूप में प्रकाश उसके प्रमाण है। सब प्रमाण है, सब है, सब प्रमाण है उसमें। बिना प्रमाण से कोई शब्द नहीं लिखा गया है। यदि आपके कोई संशय हो आप मुझे प्रश्न करना है। इसलिए हम इसलिए करें भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी है उनकी उपाधि दी गई। जैसे उन्होंने बताया ना अभी षट गोस्वामी बारी बारी में सब लोग जानते हैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाई करी चरण वंदन जाहिते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण ए छय गोसाई जार मोहितार दास तासवर पदरणु मोर पंचग्रास तादिर चरण सभी भक्त सने वास जनमे जनमे मोर यही अभिलाष ए छय गोसाई जबे ब्रजे कोइलेन वास राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रकाश। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी है ये छह गोस्वामी के भांति सारे जो है महाप्रभु के जो है मनोभीष्ट की जो है पूरा की है। जैसे उन्होंने बताया ना जिस प्रकार सिक्स गोस्वामी छह गोस्वामी है महाप्रभु के सारे आदेश को पालन किया विशेषकर चैतन्य महाप्रभु ये चार कार्य करने के लिए गोस्वामी के आदेश दिया। लुप्त तीर्थ उद्धार है विग्रह प्रकटन तीसरी ग्रंथ आदि प्रकाशन वैधि भक्ति और राग भक्ति की प्रकाश और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के विशेष आदेश दिया वैष्णव शुद्ध सदाचार ग्रंथ को प्रकट करने के लिए जिसको कहा जाता है श्री हरिभक्ति विलास। हमारे गोस्वामी छह गोस्वामी जो है देखो सभी ने ग्रंथ प्रकाश किया है। जैसे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल इनमणि विदग्ध माधव ललित माधव ये सब ग्रंथ आदि वर्ग सभी को समय ने प्रकाश किया है। विग्रह के भी प्रकाश किया है। रूप गोस्वामी पाद श्री गोविंद देव को प्रकाश किया है। सनातन गोस्वामी पाद मद राधा मदन मोहन को प्रकाश किया। उसी प्रकार हम इसलिए करें भक्ति विनोद ठाकुर उसी प्रकार भी देखो गौरधाम और गौर नाम को जगत में प्रकट कराया है। गौर नाम और गौर धाम देखो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन चरित्र स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर अपने आत्म बायोग्राफी में लिख रहे हैं है। भक्ति विनोद ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये तो उनके स्वरूप के परिचय दे दिया, ये तो सबके लिए नहीं है, है? लोग समझ नहीं पाएंगे। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे एक असाधारण व्यक्ति थे, गृहस्थ थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे है? अंग्रेज अमल में है? जिस समय भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन कर रहे थे है? उस समय उनके इतना सहज नहीं था है? उस समय एक जोगी जिसके नाम था विष किशन, वो विष किशन
प्रचार करने लगे, मैं कलयुग में स्वयं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं ये सब सारे मृत्यु के मैं मार करके काट करके भगा दूंगा और मैं ही राज करूंगा। ऐसे उन्होंने चुनौती दी ब्रिटिश गवर्नमेंट के निकट, उन्होंने चुनौती दी, चैलेंज दिया, ये मैं भगवान हूं। कुछ रिद्धि सिद्धि वो प्राप्ति कर लिया था है? और इन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के निकट ये भी चैलेंज चुनौती दिया है, मैं भगवान हूं है? और सारे मृत्यु के मैं दर्शन, जैसे कृष्ण जैसे सारे असुर के वध किया है, मैं भी ऐसे करूंगा। ब्रिटिश उस समय ब्रिटिश जो शासक थे, भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश दिए, भक्ति विनोद ठाकुर के एक पत्र लिखा। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे है, बहुत उच्च पदस्थ राजकर्म, एक उच्च पदस्थ भी थे वो है। भक्ति विनोद ठाकुर को बोले, आप इसको देखिए, ये वास्तव है क्या चीज है। भक्ति विनोद ठाकुर विचार कर लिए, तो ये सहज या सोखी वे की जोगी सामान्य मत है, सामान्य एक जोग के द्वारा कुछ ओलिमा लोग में कुछ प्राप्ति कर ली है, सिद्धि प्राप्ति कर ली। आजकल होते हैं थोड़ी बहुत कोई सिद्धि सिद्धि दिखा देते हैं, लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। भारत इसलिए कहा जाता है, भारतवर्ष ऐसे विचित्र देश है जहां तहां भी भगवान की क्षति बन जाता है। कोई कोई कहते हैं ना, भारतवर्ष ऐसे एक विचित्र देश है, हल चलाने की जरूरत नहीं है, जहां तहां भगवान पैदा हो जाता है। अरे भगवान कहां से, भगवान जो होता है उसके तो लक्षण होते कि नहीं होते है? जैसे थे जहां तहां भगवान थोड़ी पहुंच जाते। लोग इसलिए हंसी मजाक भी करते हैं, और जिसके तिसको से भगवान करके दौड़ते, कुछ दिन दौड़ने के बाद दौड़ते दौड़ते फिर जब थक जाते देखते भगवान नहीं है, टू बी नॉन सेंस। हम इसलिए करें, भक्ति विनोद ठाकुर के संग ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको आदेश दिया, ये इसके लिए आप तदंत करें है, तदंत समझते हो, इन्वेस्टिगेशन करें, ये वास्तव में है क्या चीज है। भक्ति विनोद ठाकुर है और उनके पास आए और उन्होंने डिक्लेयर भी किया, मैं इस समय इस स्थान पर मैं रास करूंगा, मैं भगवान हूं ना, रास करूंगा। और कुछ जो है महिला के, स्त्रियों के जो है ऐसे, वो क्या बोले, हिप्नोटाइज कर लिया, सम्मोहित कर लिया, क्योंकि जो लोग जानते हैं ना जो कुछ रिद्धि सिद्धि वो सब हिप्नोटाइज कर सम्मोहित कर दिया और सब आके रास करें। भक्ति विनोद ठाकुर कुछ अंग्रेज एक क्या बोले ट्रूप्स सैनिक लेकर के वहां पहुंच गए और भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या की, उसके जाकर उसको पकड़ लिया। भक्ति विनोद ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, किंतु देखो वो तो जोगी है, सिद्धि सिद्धि है, उनके बड़े बड़े क्या था, जटा था है, वो जब जटा को ऐसे जब हिला देते थे है, आग के जो है चिंगारी जैसे जिल 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 मिल करके चलते है। हाँ, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे है, मैंने बीस किशन को कैसे मैंने कैप्चर किया है। भक्ति विनोद कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है, हम लोग जाते तो उसके आग में हम भी चले जाते, सब लपट भी जाते, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी और राधा जी की नित्य प्रिया सखी भी है, मंजरी है, कोई साधारण थोड़ी है। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कर रहे हैं, मेरे नाम क्या है, कमल मंजरी है, सारे परिचय देते जा रहे, किंतु साधारण लोग उनके समझ नहीं पाए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर देखो है, उनको ऐसे जटा को पकड़ लिया और पकड़ करके काट दिया सर है, तो उनके थोड़ा जो है उनकी जो शक्ति जो है कम हो गई, तथापि कम नहीं है, 40 दिन उनको जेल में रखा है। और अंत में भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनको ये देना था, क्या बोले, राय देना था, किंतु वो जेल में रह करके बिस किशन 40 दिन 40 डेज इन द प्रिजन है, वो रह करके तब भी अपने कुछ प्रभाव का विस्तार करने लगे है। यह तो भी भक्ति विनोद ठाकुर
कि जो परिवार लोगों की जो वो भी सताने लगे, कष्ट देने लगे। भक्तिवन ठाकुर की पत्नी भी कहने लगे भाई इनको छोड़ दो ना, बोले नहीं इसको दुष्ट को मैं दंड दूंगा। ये सहज ये सो की बेकी दल को और भी बढ़ाएंगे है? देखो है? और फिर क्या है, भक्तिवन को दंड देने के 40 दिन हुए पर जेल में अपने आप वो मर गए। अरे वृंदावन बिहारी लाल है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखा है ये बुजुर्गी के द्वारा कोई काम नहीं होगा। बुजुर्गी समय तो लोगों को दिखाना है मैं भगवान हूं है, दल पका लिया है। भगवान किसको कहते हैं उसके तो लक्षण होने चाहिए ना। ओश्चर्य समग्र वीर जस श्री ज्ञान वैराग सन्न भग इतिंगना है। भगवान के 6 लक्षण होने चाहिए ना है, शास्त्र में प्रमाण है। और कलयुग में कौन भगवान होंगे कब होंगे ये सब भागवत में बिल्कुल ये भागवत के वर्णन है, जहां तक थोड़ी प्रकट हो जाएंगे है। हाँ समझी, हम यहां तक भी इंद्र कौन बनेंगे है, जैसे जैसे थोड़ी इंद्र बन जाएगा, कौन क्या पोस्ट में आज कौन मन्वंतर अवतार होगा, अवतार आदि कब को प्रकट होगा, इसके सारे वर्णन है भाई। और कलयुग के आयु कितना है, 4,32,000। लोग उल्टी सीधा भी यूट्यूब में आपको भाई दिखा देते हैं, बोले 15 सितंबर को 2024 पृथ्वी खत्म हो जाए, आप पागल सब हाँ। बोले विशाल एक जो है पत्थर जो है आ रहे हैं है, और आग्र के हाँ वो आग्र के पृथ्वी से टकराएगा और वो आज तो 16 तारीख हो गया था। अरे इसके पहले कितने बार ये लोग सब करते रहते हैं है, बोले नासा के ये लोग का दिखते हैं ये करते करते है, लोगों की क्या बुद्धि को ऐसा कर दे, कुछ नहीं है, ये लोग अट्रैक्शन कराना चाहते हैं है? कितने बार इसके पहले भी कितने बार भी दिखना है, एक बार नहीं, ये 2024 है 15 सितंबर, आज कौन सा है 16 तो अभी जीवित है कि नहीं है, बोले साफ ढंग से हो जाए। अरे शास्त्र में लिखा है कलयुग की आयु 4,32,000 इसके बाद है महाप्रलय हो। तथापि हमारे गौड़ीय वैष्णव कहते हैं महाप्रभु आए हैं इस कलयुग में, कलयुग अवतार नहीं आएगा, इसको अच्छी तरफ से आप लिखो, इच्छा अच्छी तरफ से हृदय में लिखो है। क्योंकि एक कल की जो है माने ये कली युग जो है, इस कली को एक स्पेशल कली कहा गया, धन्य कली है। सत्त त्रेता दापर कली, हर युग की समय तो ये दिया गया है, कितने समय तक तो कौन सा होगा इस कली युग की, इस कली युग में अंत में कल के अवतार आएंगे ऐसे लिखा है भागवत में, किंतु इस कली में नहीं आएगा। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे, भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी और कमल मंजरी दूसरी संप्रदाय के लोग नहीं मानते थे, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर उसमें लिख रहे हैं ये इस कली में कल की अवतार नहीं आएंगे। हम नहीं कर रहे, हम अपने कहते तो भाई आप हमारे ऊपर कुछ लगाते, किंतु भक्ति मोहन ठाकुर लिख रहे हैं से पढ़ो है। आ समझ के नहीं, इस कली को कहा जाता है कौन सा कली, धन्य कली। इस कली युग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहा जे इस कली में समस्त जीवों को मैं उद्धार कर दूंगा है। हा समझ, समस्त जीवों के चैतन्य महाप्रभु का धर्म, इस कली युग में चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा 3 स्वरूप में प्रकाशित हो गए रहेंगे है, नाम स्वरूप और विग्रह है। ये नाम जो है साक्षात भगवत स्वरूप ही है, विग्रह भी साक्षात भगवत स्वरूप है और अपने स्वरूप था ही, इसलिए नाम विग्रह स्वरूप तेरे नहीं भेद है। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु सब जीव को उद्धार करेंगे, चैतन्य चैतामृत में वर्णन है महाप्रभु संघ का है, सबको मैं दे दूंगा। क्यों ये कलयुग के कहा जाए धन्य कली है,
इसमें जब मैं बोलता हूँ ना और हमारी कथा जब चले जाते हैं वो क्या इसमें देते हैं क्या ना इंस्टाग्राम में देते हैं, बहुत लोग कहते हैं हाँ कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है। अरे लिखा है देखो तो भक्ति विनोद ठाकुर की है, लेख में है उसमें। हम नहीं करें, हम प्रमाण दे रहे हैं है? इसलिए इस कली के कहा जाता है क्या धन्य कली, केवल चैतन्य महाप्रभु के शरण में आ जाओ बस है। यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे धुआत पुण्य पुंजा तथा तथा सर्वहृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुरास। गौर सुंदर के शरण में सनापरी हो जाओ बस है। राधा जी की प्रेम सर्वोत्तम जो प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, राधा दासी जो है वो भाव प्रकट होगा है। हम इसलिए कर देखो भक्ति विनोद ठाकुर के साधारण व्यक्ति नहीं थे है। और ये भक्ति विनोद ठाकुर देखो तथा भी भक्ति विनोद ठाकुर संग कह रहे हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, दिवाभाग में दिन में ऑफिस जाते थे, दफ्तर में बैठते थे, कोर्ट में बैठते थे, मैजिस्ट्रेट है ना कोर्ट में बैठते थे, और शाम के समय दफ्तर बंद होने के बाद अपने कोर्ट से आकर के स्नान आदि करके फिर भक्ति विनोद ठाकुर एक घोड़े के पीठ पर चढ़ करके दूर दूर जाते थे। नाम हट्ट स्थापित किया उन्होंने, गांव गांव में दूर दूर गांव में जाते थे है? और नाम हट्ट से नाम की बाजार, हट्ट माने बाजार है, वो व्यवस्था करते गांव के लोगों के। उसमें जाए जा करके शुद्ध भक्ति के बारे में बताते थे, क्योंकि उस समय सहजिया सोखी भेकी ऐसे अपसंप्रदाय लोग, 13 प्रकार के अपसंप्रदाय के लोग, कितने प्रकार 13 टाइप्स ऑफ अपर संप्रदाय लोग, आउल बाउल कर्चा भाजा भजा नेड़ा जाद गोसाई है, ये सब क्या क्या अपसंप्रदाय। ये महाप्रभु के शुद्ध नाम भजन के उन्होंने दूषित कर दिया था है। बोले जो कुछ भी करो नाम करो सब पार हो जाओगे। बोले नहीं, नाम करने की प्रणाली तो होनी चाहिए ना है, शुद्ध सदाचार होके शुद्ध सदाचार होके नाम करना चाहिए है। भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार करते थे है, अन्नाभिलाषिता सुन्न ज्ञान कर्म धन वृतम आनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। शुद्ध नाम प्रचार करते थे, पर नहीं सब नाम करना है भक्ति मठ के लिए। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पतिया छे नाम हट्ट जीवेर कारण श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन है। नाम किन तुम्हारा नाम किन वे भाई, यदि आप लोग नाम लेना है चलो मेरे साथ चलो महाजन का जाई है, सदगुरु के पास जाकर के नाम लेना पड़ेगा और सदगुरु के उपदेश के अनुसार नाम करना पड़ेगा। किंतु सहज या सखी बगैर सब वो कुछ भी करो बस। महापुरुष कहा दिया नाम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थापित नियमित न स्मरणम, कोई नियम की जरूरत नहीं। बोले नहीं, नाम कैसे करना है शुद्ध सदाचार हो करके है। बोले कुछ भी खाओ है, मुंह के क्या बना लो ड्रेन बना लो, ड्रेन समझते हो नाली बना लो स्वेज है, जो कुछ भी खाओ वो नाम करो। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध सदाचार के बारे में बताते थे। बोले भाई तुम लोग जो हरि नाम करना चाहते हो कम से कम 4 नियम के पालन करो, शुद्ध सदाचार जो नियम है जिससे कली के स्थान है ना, कली के स्थान कहाँ कहाँ पर है, दूतंग पानंग स्त्रिया सुना है, जो चेस गेम आदि करते हैं गैम्बलिंग उसमें कली के स्थान है, पानंग मदिरा पान आदि ये सब कली के स्थान है, जीव हिंसा है वो क्या कली के स्थान है, और अवैध स्त्री संग है ये कली के स्थान है, और उससे कली का और एक स्थान दिया क्या शरण जो है। किंतु 4 तो नियम तो पालन तो करे, 4 नियम पालन करके शुद्ध सदाचार होकर के भगवत नाम करे है।
इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर गांव गांव में जाते थे और ये बताते थे आप लोग हरिनाम करे संघ भक्ति विनोद ठाकुर नाम करा देते शुद्ध संघ सिद्ध महात्मा ही है ये राधा जी की तो मंजरी सखी है और उन्हें नाम कराते थे सबको हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कराते हैं जैसे हमारी क्या नाम सुबल सका प्रभु सिद्धार्थ और ये भी दीदी कहाँ गई हो है रसोई में चली गई। ये लोग भी देखो प्रचार अधिकारी आप लोग सभी प्रचार करते हो शुद्ध सदाचार के प्रचार करो है नाम हट्ट प्रचार करते है शुद्ध सदाचार। और तब उस समय गांव के लोग विचार करने की बात सही बात है कैसे हरि नाम करना है वर्णाश्रम धर्म प्रतिष्ठित नहीं हो वो नहीं होगा इसलिए कर रहे वर्णाश्रम आचार्य तो बता पुंसे न पर पुमान विष्णु आराध्य थे पंथा नाना तत्व स्व कारणम। भक्ति विनोद ठाकुर इसी प्रकार गांव गांव में जाकर के शुद्ध सदाचार के बारे में बोलते थे और शुद्ध नाम कराते थे सबको है कोई स्कूल हो है कहीं भी स्थान पर है हजारों लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और सबके ऐसे भाषण देते थे। भक्ति विनोद ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखो एक भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन कहानी में लिख रहे हैं एक बार भक्ति विनोद ठाकुर बहुत गांव अपने स्थान से बहुत दूर गांव में चले गए है करीब 20-25 किलोमीटर बहुत दूर गांव में चले गए प्रचार करने के लिए और बीच में एक जंगल था है और भक्ति विनोद ठाकुर जब ये नाम हट्ट की प्रचार करके जब अपने घर लौट रहे थे है वो जंगल होते हुए आ रहे थे रात्रि मध्य रात्रि भक्ति विनोद ठाकुर जो लिख रहे हैं मैं ये बता रहा हूँ भक्ति विनोद ठाकुर मध्य रात्रि हो गया रात 12 बज गया है और जंगल के रास्ता छोटी सी है पगदंडी जिसको कहा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर घोड़े में बैठ करके जब आ रहे थे ठक 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 शब्द हो रहा है क्योंकि रात्रि और कुछ नहीं है, और थोड़ा जो जुगनू होता है ना जुगनू समझते हो है वो इधर उधर जो है उड़ रहा था घूम रहा है और दो चार पक्षी जो है उधर उधर होते जा रहे हैं और रात्रि जो बिल्कुल जो है अमावस्या रात्रि लिख रहे हैं घनाघोर रात्रि जो है बिल्कुल सन्नाटा है कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। भक्ति विनोद ठाकुर चलते जा रहे हैं चलते चलते भक्ति विनोद ठाकुर सुना एक कोई महिला के जो है क्रंदन ध्वनि सुनने पर सुनाई पड़ा है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये इसी घोर जंगल में कौन रो रहे वह स्त्री कोई लड़की रो रही है। भक्ति विनोद ठाकुर देखो उषा को निशाना करते हुए पहुंचे घोड़ा के लिए घोड़ा के लेकर के देखा क्या एक सुंदर 16 साल के एक लड़की जो है रो रही है। भक्ति विनोद ठाकुर पूछने लगे तुम कौन हो क्यों यहाँ पर रो रही हो मध्य जंगल में घनाघोर अंधकार जंगल में। देखो वो लड़की कहने लगी ये भक्ति विनोद ठाकुर मैं साधारण स्त्री नहीं हूं मैं माया देवी हूं है और तुमने जो शुद्ध भक्ति प्रचार कर रहे हो शुद्ध सदाचार आदि पालन करके है जिससे मैं अपने प्रभाव को विस्तार कर नहीं पा रही हूं माया के काम तो यही है कली कली के काम कली कहां पर रहेगी जहां पर असत आचार रहेगी वही तो कली के स्थान है। दूतंग पानंग स्त्री और सुना जत्र धर्म यही तो रहेगी। और वो कहने लगे देखो भक्ति विनोद ठाकुर तुम्हें शुद्ध जो नाम प्रचार कर रहे हो इसलिए धीरे धीरे मेरा शक्ति क्षीण हो रहा है मैं विस्तार कर नहीं पा रही हूं कली मेरा स्थान है कि नहीं है कली काल मेरे ही स्थान है किंतु तुमने शुद्ध भक्ति के प्रचार करने से मैं अपने को प्रभाव विस्तार कर नहीं पा रही हूं इसलिए मैं रो रही हूं। भक्ति विनोद कह कर भक्ति विनोद ठाकुर तुम मुझे शक्ति दो भाई तुमको क्या शक्ति तुम मर जाओ तब भी तुमको मैं शक्ति नहीं दूं है। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे लिखते हैं देखो भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन काल में लिखे स्वयं मायादेवी के साथ उन्होंने भी है कथा माने वार्तालाप किया और बोले शुद्ध भक्ति के प्रचार कर है ऐसे आउल बाउल कल करता भाजा
कुछ तो भजन साधन कुछ नहीं किया ना, कुछ हुआ और अपने के गोपी मान करके नृत्य करने से थोड़ी होगा क्या है? बाप परकिया होते हुए चलो, क्यों लिखा है परकिया तो भाव है, जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद लिखा है, भक्ति रसामृत सिंध में लिखा है, क्या वो साधन भाव जैसे भूल गया वो, नहीं नहीं साधन को नहीं, जिसमें उस भाव के अभिष्ट होकर के जो करना पड़ता है भाव है? भाव साधन क्या बोले, अरे उसमें अभिष्ट होकर करना पड़ता है, है? अपने को एक गोपी पर क्या संपन्न गोपी भाव करके साधन करना पड़ता है, है? आज जस्ट मैं नाम भूलते जा रहा हूँ, अभी बोला था ये भजन रस ग्रंथ में है, है? जैसे कोई व्यक्ति रामायण श्रवण कर रहे थे और देखो हनुमान की अभिष्ट में होकर श्रवण करते करते है, वो इतने हनुमान के भांति है हुंकार करते हुए वो कूद पड़े, और एक व्यक्ति दशरथ महाराज के कथा श्रवण कर रहे थे, रामचंद्र वन में गए और उस समय दशरथ महाराज रामचंद्र की विरह में हा राम करके प्राण छोड़ दे, वो व्यक्ति उसी प्रकार ही छोड़ दे, समानाधिकरण क्या बोले पढ़ना उसमें है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ये लिखा है ये किस प्रकार हम भजन करते करते उसमें अभिष्ट हो, जिसको कहा जाता है समानाधिकरण है, जब तक समानाधिकरण नहीं हो रहा है तब तक आपकी भजन की पराकाष्ठा प्राप्ति नहीं हो रहा है। तो समानाधिकरण का तात्पर्य है ये तुम्हारे दुख नहीं मेरे दुख है, ऐसे एक भाव होने पर उसमें अविष्ट होने जो अविष्ट के भजन होता है उसी कहा जाता है समानाधिकरण कहा जाता है, है? जैसे मैं रूपमंजरी के कोई एक विशेष परिचारिका हूं व राधा जी के एक विशेष परिचारिका हूं, ये भावना रख के उसमें ही अभिष्ट होकर के भजन करना है, है? सिरूपा मंजरी करार्चित पाद पद्म गुष्टंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मदत कनक गौरी पदारविंदन सनभानी सनकैस्तव किम करीसे, है? जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं, सखी भाव में अभिष्ट होकर के तब सेवा की पराकाष्ठा प्राप्त होता है, किंतु ये कब होगा? अनर्थ निवृत्ति हो, है? हृदय से काम क्रोध आदि इसको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, है? हृदय में काम क्रोध हो, काम क्रोध आदि भरा हुआ है, है? आप समानाधिकरण कर पाओगे? आज जबरदस्ती करते जाओ तो वही बात मैंने पहले कहा दिया, क्या इंचोड़े पक्का हो जाओगे, है? इंचोड़े समझते नहीं, वो जो बताया कटहल जो है कच्चा कटहल अभी पके नहीं है, उसके जबरदस्ती पकाने के लिए व्यवस्था आदि करते, उसको पकेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए करे अधिकार ना लोभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि तार शक्ति रभावे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे शुद्ध भक्ति धारा के प्रचार करते थे, है? हमारे गोस्वामी वर्ग जो है रूप सनातन के विचार को शुद्ध धारा को महाप्रभु के धारा को प्रचार करते थे, है? तो इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर एक बार मन ही मन विचार करने लगे, है? अपने को साधारण जीव समझ रहे भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन लोकवत्तु लीला कई बलम भक्ति विनोद ठाकुर विचार करने लगे, मेरे सारा जीवन केवल यही करते करते चला गया, एक तो मैजिस्ट्रेट मैं हूं और यही है काम करते करते चला गया, और दूसरे केवल जंगल लोगों की जंगल काटते करते मेरा सारा जीवन चला गया, है? जंगल समझते हो, ये जीवों के अनर्थ निवृत्ति आदि करते चला, मेरा भजन तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं सब छोड़ करके मैं वृंदावन जाता हूं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन कहानी में लिख रहे मैं वृंदावन जाकर भजन करूंगा, है? जैसे आप सोचते हो ना
बोले सारा जीवन केवल काम में काम करते करते बर्तन धोते धोते रसोई बनाते बनाते है कपड़ा धोते धोते मेरा सारा जीवन चला गया। क्या ये सब छोड़ छाड़ करके कहाँ जाऊं? वृंदावन है, वृंदावन जाकर के क्या करोगे? और दो दिन मच्छर जब काटेगा तब अपने आप वापस आ जाओगे है? क्यों? आपके वो शरीर नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, विचार करते हैं है? कैसे हम इसे भक्ति मनो ठाकुर साधारण एक ऐसे करें, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं किया, केवल बस जंगल काटते करते मेरा जीवन चला गया। हाय हाय हाय, मैंने भजन नहीं किया, ऐसे सुंदर मनुष्य शरीर मुझे मिला। इसलिए भक्ति मनो ठाकुर वृंदावन की ओर चलने लगे। और चलते चलते है एक शिव मंदिर में एक रात्रि भक्ति मनो ठाकुर विश्राम किया है, जिसको पतलेश्वर कहा जाता है, उसके शिव जी के है ना, शिव जी के कहा जाता है पतलेश्वर। उसमें एक गड्ढा रहता है, उसमें पानी डालो है घड़घड़ घड़घड़ घड़ शब्द आएगा है। यदि आपके लोग कहते हैं मनोवांछा करके जो आपके आपकी यदि मनोवांछा पूरा होगा पानी अपने आप चला जाएगा, आज यदि आपके मनोवांछा पूरा नहीं होगा है तो वो पानी ऊपर से उछल करके आ जाएगा। हाँ, जिसे पतलेश्वर कहा जाता है, है? अच्छा, मैंने गया देखा उन्हें सबसे पानी डाला महाराज है बहुत अच्छी बात है, देखा सुना है, पानी डाल दो पानी चला गया कहाँ पता है पतलेश्वर कहा जाता है, पतलेश्वर महादेव कहा जाता है। ये बंगाल में है ना वो, इसमें सब जाना चाहते हैं महाराज, सब जाना चाहते, जाओ भक्ति मनो ठाकुर गए, भक्ति मनो ठाकुर इसमें लिखा, हम तो नहीं कर रहे। तो भक्ति मनो ठाकुर एक रात उस मंदिर में जो है शिव मंदिर में जो है रात्रि विश्राम किया, और उसमें स्वयं शिव जी भक्ति मनो ठाकुर के कहने लगे, हे भक्ति मनो ठाकुर आप कहाँ वृंदावन भजन करके ले जा रहे हो, आप सिद्ध महात्मा हो, जिस कारण से संग राधा जी तुम्हें जगत में प्रकट कराया, जगत में भेजा है, वो कार्य के पूरा करो। ऐसे भी कहा जाता है भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं राधा जी है अपने प्रिय सखी कमल मंदिर के बुला करके बोले, जाओ है ये जगत के लोग सब महाप्रभु के जो शुद्ध विचार को सब नष्ट कर दिया, कुलसित कर दिया, तुम जाओ है शुद्ध विचार को प्रचार, शुद्ध भक्ति को प्रचार करो है कमल मंजरी को बुला। कमल मंजरी भी कहने लगे, मैं अकेली जाऊं तो कैसे काम होगा, और एक मुझे सखी दे दीजिए। तब कहने लगे कौन सा सखी चाहिए, राधा जी के पास कमल मंजरी पूछने लगे, बोले ये नयन मंजरी तुम्हारी अत्यंत जो है नयनमणि मंजरी उसके साथ में दे दो। देखो राधा जी नयनमणि मंजरी की भी दे दिया। यद्यपि भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति संत प्रभुपाद के साथ क्या संबंध है, पिता पुत्र के संबंध है, लौकिक संबंध दिखा रहे, किंतु वास्तव है ये नयनमणि मंजरी है। कौन? भक्ति संत प्रभुपाद है। देखो है लौकिक जगत में ऐसे लोग दिखा रहे है नयनमणि मंजरी को दे दी, बोले जाओ। इसलिए मैं कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर ये गौर धाम को जैसे प्रकाश किया, उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद नयनमणि मंजरी जगत में प्रकट कराया है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में रहते थे और स्वयं जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जी के जो क्या बोले कंसोर्ट विमला देवी के निकट प्रार्थना की है मुझे ऐसे पुत्र दीजिए। ये तो लोक लीला में करते हैं ना, जैसे आप कहते हैं हम भगवान हमें एक पुत्र दीजिए है, ठीक उसी प्रकार लोक लीला के अनुसार भक्ति विनोद ठाकुर विमला देवी के निकट प्रार्थना की, दी कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ विमला देवी उनके निकट प्रार्थना की और उनके कृपा से भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की प्राप्ति किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र के क्या नाम रखा, विमला प्रसाद, विमला देवी की कृपा। किंतु वास्तव आया कहां से, और राधा जी की नित्य प्रिया सखी जो है नयनमणि मंजरी। आ देखो इसलिए कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के दो काम विशेष करके है, एक
गौर धाम को और गौर नाम को जगत में प्रकट कराया और दूसरी नयनमणि मंदिर के जगत में प्रकट करके उनके द्वारा ही फिर शुद्धा भक्ति को जगत में स्थापित किया है। इसलिए भक्तिवन ठाकुर स्वयं शिव जी कह रही हैं, पर ये भक्तिवन ठाकुर तुम थोड़ी सी साधन, उनके नाम थे केदारनाथ है, केदारनाथ दत्त, बोले तुम्हारे ये काम नहीं है, भजन साधन तुम्हारे सब ठीक है, तुम तो सिद्ध महात्मा, भजन की भजन करना क्या। स्वयं शिव जी वो आदेश दिया, जाओ गौर सुंदर की धाम को प्रकट कराओ। भक्ति विनोद ठाकुर उसी स्थान से लौट करके आ गए, वृंदावन गए नहीं उस समय है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गांव से पुनः जगन्नाथपुरी लौट करके गए, ठीक उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर है उस शिव जी के आदेश प्राप्त करके उसी स्थान से उन्होंने लौट करके आए। आकर के विचार करने लगे मुझे क्या करना चाहिए, संग देवादिदेव महादेव मुझे आदेश दिया है ये गौर सुंदर की धाम को प्रकट करना है। श्री भक्ति मनोहर ठाकुर ही गोद्रुम में आ गए है, गोद्रुम में आकर के वहां पर भजन करने लगे है, नित्य प्रत्यह 3 लाख हरि नाम करने लगे, नाम भजन करने लगे है, और मन मन चिंतन करने लगे गौर सुंदर की आविर्भाव स्थली कहां पर है। आज हम जो नवदी धाम परिक्रमा मायापुर हम लोग जाते हैं, गौर सुंदर की धाम को जो हम परिक्रमा करते हैं इसके अवदान किसका है, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और हमारे शिल परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज है। आज कोई साधारण नहीं है, हम इसलिए कर रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर वहीं पर आकर के भजन करने लगे और मन मन चिंतन करने लगे ये शिव जी तो मुझे आदेश दिया, ये महाप्रभु के पर्टिकुलर बर्थ प्लेस कहां पर है। क्यों उस समय मुसलमान लोग हिंदू के जितने भी स्थान जो है सब कैप्चर कर लिया और नाम भी बदल दिया है, मायापुर के नाम रख दिया मियापुर है, आज वृंदावन के नाम रख दिया है फकीराबाद ममिनाबाद, ऐसे ऐसे सब रख दिए, सब उल्टा सदा नाम सब मुसलमान नाम है। तो देखो भक्ति विनोद ठाकुर विचार करने लगे है ये महापुरुष के पर्टिकुलर जगह कौन सा है, और उस स्थान को क्या कि मुसलमान लोग कब्बर स्थान बना ली है, ग्रेवियर्स वो बना लिया है, कब्र स्थान बना लिया। और भक्ति विनोद ठाकुर विचार कर रहे हैं कौन पर्टिकुलर कौन स्थान पर है। देखो भक्ति विनोद ठाकुर भजन कर रहे थे और यही चिंतन कर रहे थे ये शिव जी तो मुझे आदेश दिया है, ये महाप्रभु के विशेष चैतन्य महाप्रभु के जो है स्थान को प्रकट करना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहा जाता है गौर गदा गदाधर, क्या बोले गौर शक्ति गदाधर, ऐसे अवतार माना जाता है, कोई साधारण नहीं है। राधा जी की नित्य किंकरी है ना है, गदाधर पंडित कौन है, राधा जी है, वही राधा जी की खास कमर की मंजरी सखी है कमल मंजरी है। भक्तिवन ठाकुर अपने परिचय दे रहे है, तो भक्तिवन तब भक्तिवन ठाकुर भजन करते करते गोद्रुम में जब भजन कर रहे थे है, और देखा क्या नदी के वो जंगली जलंगी नदी है उस नदी के दूसरी तट पर जो है मायापुर है, और रात 12 बजे है भक्तिवन ठाकुर कैसे भजन करते हैं जैसे नहीं बताया ना, कोई भक्तिवन ठाकुर सिद्ध स्वरूप में अवस्थित होकर के इन्हें पे तो भी सुंदर वो तड़ित वर्ण कपड़े आदि पहन करके है ठाकुर राधा राधा श्रीमती राधा राधा जी और गोपियों की सेवा आदि करते थे, ऐसे उनके जीवन चरित्र वर्णन है, है? पक, क्या बोले वो पूड़ी आदि बना करके नहीं करते थे, ऐसे ऐसे सुंदर कथाएं हैं उनके जीवन चरित्र, कोई और कई साधारण ऐसे नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजर है भजन करते करते बोले महाप्रभु के जन्म स्थान कहाँ पर है, पर्टिकुलर जन्म स्थान कदर है, शास्त्र में तो लिखा है गंगा गंगा की दूसरी तट पर मायापुर में महाप्रभु के जन्म स्थान है। और इधर बाबा जी लोग क्या प्रचार किया, ये
गंगा की इस पार जहां पर नवद्वीप हम है, जिसको कहा जाए प्राचीन मायापुर कहते हैं लोग, और ये लोग उसी के जब महापुर के जन्मभूमि बताती है, है? आज किंतु भक्ति विनोद ठाकुर विचार कर रहे हैं ये कहां पर है, और देखते देखते देखो भक्ति विनोद ठाकुर दिव्य दृष्टि में देखा वह नदी के दूसरी तट पर, और वो स्थान को दर्शन देखा, देखते देखते वो स्थान उजाला हो गया, वो कब्बर के गृह स्थान है ना, वो उजाला गया, और देखा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर गदाधर है, और महाप्रभु के जितने परिकर जो है हजारों जो है भक्त लोग खोल कर ताल लेकर के है कीर्तन कर रहे हैं, हरिहरये नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहरये नमः कृष्ण जादवाय नमः। देखो ऐसे कीर्तन, फिर कुछ समय के बाद सब अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल में भक्ति विनोद ठाकुर उसी स्थान पर आए है, देखा वो स्थान मुसलमान के जो है कब्र गया, भक्ति विनोद ठाकुर देखा गया उस स्थान पर, एक विशेष स्थान पर जहां पर चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ लेकर के नाम संकीर्तन किया, उस स्थान पर देखा क्या तुलसी की बगीचा है, है? वो स्थान जो है कुछ स्थान जो है वो तुलसी की बगीचा है, केवल तुलसी पौधा पौधा से हरा भरा, और बिल्कुल तुलसी ऐसे सुंदर है फल एक से साफ खिले हुए हैं, देखने में इतने सुंदर था। भक्तों ने विचार करने के लिए यही तो महाप्रभु के स्थान, यही पर चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के साथ कीर्तन किया था है। किंतु वो मुसलमान के पूछा, एक प्राचीन मुसलमान था वृद्ध, उनके पूछा तुम लोग तो मुसलमान हो, तुम लोग ये तुलसी के क्यों यहाँ पर खेती क्यों करते हो? क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ हम यहाँ पर तुलसी नहीं लगाते, इस स्थान पर जो कुछ भी बीज डाल देते हैं, गेहूं कहे धान कहे कुछ भी डाल देते हैं, सब क्या हो जाता है, ये तुलसी हो जाता है। वो कुछ जहां पर जो चैतन्य महाप्रभु जो बर्थ प्लेस जो है उसमें तुलसी, भक्ति ठाकुर जी यही तो स्थान है, है? किंतु इस स्थान को लेना पड़ेगा, किंतु मुसलमान के कब्रस्तान है ना, ले कैसे लेंगे जो है, जिसके भैंस जिसके लट्ठी उसकी भैंस है, किंतु उनके हाथ से कैसे ले लेंगे? तब फिर उस स्थान जो चैतन्य महाप्रभु जो आविर्भाव स्थली जो है उसके सिद्ध महात्मा के द्वारा प्रकाशित करना है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन गए और सिद्ध महात्मा श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के लेकर के आए। ऐसा बहुत लंबी कथा है, समय हो गया दस बजे है, और वहां पर जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 144 थे है, आज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो उस स्थान पर आए थे वो है उनके जो सेवक था बिहारी लाल, इसे उस समय तो कोई ट्रेन फ्रेंड कुछ नहीं था, वो अपने टोकरी में लेकर के आए थे, और देखो 144 साल ओल्ड जिसके आंखों की ये पलक है ना इसमें झुलस गया था, किंतु देखो उस स्थान पर आते ही वो टोकरी से स्वयं कूद गए और कूद के जोर से उच्च स्वर से नृत्य करने लगे है, जैसे भक्ति वेदांत साईं मार रथ यात्रा के सामने देखा ना यूट्यूब में है, 16 साल के बच्चे के वहां थी गंग लेकर के कांसर लेकर के कैसे नृत्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उच्च से कीर्तन आदि करने लगे, कहते ये हमारे गौरी सुंदर की आविर्भाव स्थल है, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में लिखा गया नमो न भक्ति क्या बोले जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज गौरा आविर्भाव गौर आविर्भाव जन्य प्रकाश, देखो उनके द्वारा तो प्रकाश कर दिया सिद्ध महात्मा के द्वारा है, किंतु देने तो नहीं होगा, क्वेली कहा जिसकी लट्ठी उसकी भेष है, मुसलमान तो कब्जा करके रखे हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने किया कि इस कार्य संपादन करने के लिए है वही नानमणि मंजरी
भक्ति सिद्धांत से श्री प्रभुपाद को आदेश दिया है, ये स्थान को तुमने प्रकट करो। आज देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद वो भी कम नहीं है, वो भी राधा जी अब आने लगे ना है, कहां से राधा जी की, राधा जी के पास करे, मैं अकेले जाकर कुछ कर नहीं पाऊं है, तुम्हारे एक जो विशेष सखी को मुझे दे दो। किसको बोला? अरे नहीं, राधा जी के बोले है, नारायण मणि मंजरी राधा जी के बोले, ये और एक मुझे आपके सखी मुझे दे दो है। तो राधा जी बोले कौन सा सखी लेंगे? बोले विनोद मंजरी। बोलो विनोद मंजरी की है, भक्ति प्रज्ञान कैसे गुस्सा ही मारा देखने तो पूरे जमींदार है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ये विनोद बिहारी ब्रह्म जी को आदेश दिया है, इस स्थान को तुमने व्यवस्था करो। तो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कैसे थे, उनके जीवन चरित्र गुरुदेव की जो लिखा है कितने सुंदर है, है? जो मुसलमान लोग कब जकड़ के रखा था, पैसा नहीं देता था, माने टैक्स नहीं देता था। और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के एक जो गुंडा को जो है, मुसलमान गुंडा को जो है टेबल के नीचे उसको ऐसी घुसा दी है, लेन डाउन करा दी है, और ऊपर से बेतरा घास ऊपर से करने लगे। सारे मुसलमान लोग डर से एक दिन में 10 साल के जितना भी वो ये था पेंडिंग जो रेंट था सब दे दिए है। फिर विनोद बिहारी ब्रह्मचारी है क्या कि प्रभुपाद ने आदेश दिया इस स्थान को जो है महाप्रभु के स्थान को जगत में प्रकट करना है। रातों रात विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने विशेष अपने ब्रह्मचारी को लेकर के उस स्थान पर गए, और जितने भी मुसलमान के जो कब्र जो था ना उसे सब हड्डी को उठाया है, खोद करके उठाया रातों रात है, रात 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक है उस स्थान को जो है खोदा, और खोद करके जितने भी हड्डी था सब कब्रस्तान सब को उठा करके गंगा में डाल दिया, जा तुम लोग उद्धार हो जाए गंगा की जल पर से है उद्धार। और फिर देखते देखते रातों में देखो कुछ घंटों में उन्होंने क्या कि सुंदर एक पार्क बना दिया है, सुंदर पार्क बना दिया है, और बगीचा बना दी जिसे बड़े बड़े जो है पेड़ को लगा दी है, नारियल पेड़ है और कटहल पेड़ है, नीम पर सब लगा दी है, इतने सुंदर बगा दिए। प्रातः काल में मुसलमान लोग आकर के देखा, उनके तो कब्र खाना नहीं है उस तरह, वहां पर क्या है बगीचा, ऐसे सुंदर बगीचा देख करके वो लोग है, वो लोग ये करने लगे, ये हमला करने लगे, ये हिंदू लोग हमारे स्थान को दखल कर लिया। और देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी बोले ये तो हमारे स्थान है, है? ये लोग पुलिस के ऊपर जब करने पुलिस आए, भाई जहां पर वो होता है ना क्या बोले हिंदू राइट होता है झगड़ा होता है, पुलिस आ गई, पुलिस आकर के विनोद बिहारी ब्रह्मचारी बोले तुम्हारे कागज दिखाओ ये तुम्हारे स्थान है। मुसलमान लोग कह लेगा हम तो इसमें 300 साल से हम लोग यहाँ पर कब्बर खाना हम करते हैं। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी नहीं, हम लोग तो इसे कितने सालों से हम लोग इस स्थान को दखल करके रखे हैं, देखो ये पेड़ है आम के पेड़ है, 50 साल के आम का पेड़ है लगा दिया ना रातों रात उठा करके है, ये देखो कटहल के पेड़ है, ये नीम के पेड़ है, है? अंग्रेज लोग देखा बोले बात सही है, कागज दिखा दिया, वो तो पहली से ही तो है ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने किया कि देखो अपने लिखते हैं इस स्थान को महाप्रभु के स्थान को प्रकट करने के लिए उन्होंने स्वयं इंग्लैंड से जो म्यूजियम जो है और वहां से उन्होंने महाप्रभु के समय जो ये था कि बोले मैप जो था उनको भी मंगाया, भक्ति विनोद ठाकुर की सामान्य नहीं थे है, उच्च पदस्थ भी थे, इसलिए गवर्नमेंट के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उन्होंने ये करके वो मंगाया और उसके सब नाप झोंक झोंक करके दिखाया, प्रमाण है इसमें है। और भक्ति विनोद ठाकुर सारे कागज जो है उन्होंने दिखाया, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी दिखा दिया ये कागज स्थान हमारा है, और वो मुसलमान के बोलने लगे तुम्हारे कागज दिखाओ, उनके पास कागज बहुत कुछ नहीं है, है? कागज का काम ही नहीं होगा, मरे दे
पेन इज माइटर देन सोर है, पर तुम्हारे कागज है कि नहीं है? ये स्थान जो तुम्हारा है ना, कोई कोई के दूसरे के जगह को जो भूत पिशाच के भांति दखल करके रखोगे, काल बताया था ना, काल पुरुष बताया था, ब्रह्म दैत्य कहने लगे है, जो घर 6 महीने तक बंद रहेगा वो भूत पिशाच क्या करता है, कब्जा कर लेता है, है? और फिर भूत पिशाच को भगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है? नृसिंह मंत्र जप करके छोड़ो तो सब भाग जाएगा, है? एक समय मैंने यज्ञ कर रहा था मथुरा में, है? यज्ञ करते करते देखा एक जो महिला जो है वो उसके ऊपर भूत सवार हो गया, और ऐसे ऐसे करने 8-10 महिला उसको पकड़ नहीं पा रही, और मैंने किया कि निश्चय मंत्र जे करके, और उनको जब छोड़ दिया तो बोले मैं जा रहा हूं बच्चा ले है, पूछो है, अभी हाल की घटना है हमारा, अरे 2 साल की बात, 2-3 साल की बात, हाँ हम मंत्र सिद्धि करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े ना तुम्हारे ऊपर हो जाएगी सार हो जाएंगे, फिर देखना मजा है, आज समझ में ठीक ठीक डॉक्टर से दवाई लेना पड़ेगी नहीं पड़ेगा ना, सब अपने के भाई ग्रंथ पढ़ करके दवाई ले ले उल्टा हो जाए फिर है, हमारे विजय डॉक्टर साहब है कि नहीं है, उनसे तो लेना पड़ेगा नहीं है ना, जहां तहां बस पेट के दर्द है और दूसरी के दवाई दे दिया ना, उल्टा हो जाएगा फिर, खतरा जान हो जाएगा, आप करके देखना है, वास्तविक सत्य है, भूत पेश पिशाच को जाए देखो भक्त, इसे हमारे भक्त, इसलिए ये नवद्वीप धाम, ये क्या बोले महाप्रभु की जन्म भीटा जो है, वास्तविक ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु मैनिफेस्टेड बाई भक्ति विनोद ठाकुर एंड ऑल्सो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद एंड विनोद बिहारी ब्रह्मचारी है, और उनके जब उनके कथा को समाप्त करता हूँ, और जब उनको ब्रिटिश ब्रिटिश जो है ऑफिसर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करने मुसलमान के, तुम्हारे पेपर दिखाओ है, पेपर भी नहीं कुछ नहीं है, दूसरे के जगह तुमने हड़प करके रखे हो, बोले इतने पिटाई किया हाँ, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के विशेष वैशिष्ट है, महाप्रभु के नाम महाप्रभु के धाम, गौर नाम गौर धाम उन्हें जगत में प्रकट कराया है, इसलिए लिखते चेतन चेता में है ना, है कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार, नाम ले ले अपराधीर ना है विकार, गौर नित्यानंदेर नहीं कहे सब विचार, नाम ले ले प्रेम देन बहे अश्रुधार, निताय गौर प्रेमानंदे, इसलिए गौर सुंदर की हमें बहुत कृपा है, हमने कहा ना ये आप लोग जो गौर सुंदर के लाइन में आए हैं ये कोई साधारण बात नहीं है, है आप लोग और संप्रदाय में नहीं गए, कहाँ पर आए, श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में आए हैं, श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय महापुरुष के धार में आए हैं, इसलिए आप लोग महाभगवान है, आप अपने को जो है विचार करो कितने महाभगवान है, है? ऐसे स्थान को छोड़कर के दूसरे चले जाते हैं, और उसमें भी विशेष करके रमन मंजरी के धारा में जो आ रहे हैं श्री गुरुदेव जो है रमन मंजरी है वो कम नहीं है, इसलिए जिन लोगों ने रमन मंजरी के धारा में आए हैं और जिनके दर्शन किया स्पर्शन किया किसी भी प्रकार से उनके साथ लिंक जोड़ा है, इसलिए हमें तो ये आशा है ये गुरुपाद पद्म कृपा करके सभीओं के राधा जी की ये सेवा प्राप्त कराएंगे है, क्योंकि नर्तम दास ठाकुर शंकर है, कबे लोको नाथ मोरे संग लया जावे सिरुपेर पाद पद में मोरे समर्पवे है, हम तो ये कहते कबे नारायण मोरे संग लया जावे सिरुपेर पाद पद में मोरे समर्पवे है न कि हो में मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तम करीबे शासन है, इसलिए आप लोग महाभगवान हो जो लोग ने ऐसे सदगुरु के चरणाश्रय किया और करके भजन कर रहे, भजन करो ठीक से
उल्टी सीधी रास्ते में मत जाओ है, और क्या बोले वो क्या बोले जिलेबी मंजरी कचौड़ी मंजरी की तरफ मत जाओ, बाबा जी संप्रति मत जाओ है, सब तुम्हारी चौपाट हो जाएगा है। इसलिए बहुत सतर्क से शादी भजन करो, सावधानता घटी दुर्घटना घटी, इसलिए ठीक से चलो है। ये विचार शुद्ध विचार धारक के धीरे धीरे भजन करते करते चलो है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के निकट हम यही प्रार्थना करते हैं, आज की उनके आविर्भाव तिथि है, भक्ति विनोद ठाकुर भी हमें कृपा भी करें है, ये ऐसे राधा जी की सेवा की एक थोड़ा से अभिलाष हृदय में प्रकट हो जाए, अशस्य दस्य विषभानु जाए है, यही आशा लेकर के हम चलते जा रहे हैं। गुरुपाद ने आश्वासन दिया है, गुरुदेव आश्वासन दिया, आश्वासन एश्योरेंस दिया है, तुम भजन करो शुद्ध धारा में है, इधर उधर मत भटको है, और किसी की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरुदेव के विचार को लेकर के चलो है, आप ठीक सही रास्ते में पहुंच जाओगे, और नहीं तो उधर उधर भटकते रहो, ये साधु वो साधु वो साधु है, वो बाबा 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 करते करते सब बेकार हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए गुरुदेव की विचार शुद्ध विचार लेकर के चलो है, जो कुछ कर रहे करने दो है, आप एकांतिक निष्ठा रख करके सिर्फ गुरुदेव की ही विचार लेकर के चलो, बस हमें ये कहना है और कुछ करना नहीं है, है? गुरुदेव के विचार को जो ग्रहण करते हैं उसको ग्रहण करो है, समझ में आते कि नहीं? जो गुरुदेव के गुरुदेव से दीक्षा मंत्र लेकर के भी जो गुरुदेव के विचार को नहीं मानते हैं है, उसकी संग मत करो, सीधी बात है, केवल गुरु से मंत्र लेने से नहीं होता है, गुरु के विचार को लेना पड़े, गुरुदेव के शुद्ध विचारधारा को लेकर के भजन करो, ए तब देखो आपके भाव उत्पन्न हो जाएगा, गुरुदेव ही आपको क्या करेंगे, जैसे कह रहे नतम दास ठाकुर क्या बोल रहे, कबे लोकनाथ मोरे संग ले यहां जावे, नतम दास ठाकुर देने करके कह रहे कब मेरे गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी मंजू लाली मेरा हाथ पकड़ करके कहां ले जाएंगे, रूप मंजरी के चरण में समर्पित करेंगे, रूप गोस्वामी के चरण में, और रूप गोस्वामी रूप मंजरी मुझे ललिता विशाखा आदि ऐसी राधा जी की जो परम पृष्ठ सखी जो है उनके संग प्रदान कराएंगे, ये भावना लेकर हा समझ में, ऐसे विचार करके लेकर चलो, जो गुरुदेव की विचार गुरुदेव की सिद्धांत ग्रह चलते हैं उसके लेकर के चलो, और नहीं तो ऐसे कर कह देंगे जो जो जैसे कह देंगे उसके बाद मान मत सुनो है, बड़े बड़े पंडित कहते हैं, मैं तो कभी कभी खंडन करता हूं, कहते हैं जे देखो इसमें ये है वो है, नहीं हम गुरुदेव जी ने कहा, गुरुदेव का गुरुदेव ने क्या कहा, तुम्हारी स्वरूप जो है वो होगा है, समझे, इसलिए शुद्ध विचार को लेकर गुरुपाद की जो विचार उसके लेकर के चलो है, जो गुरुदेव के विचार को कोई विपरीत बोलते हैं उसके संग मत करो, नॉन सेंस मान करके उसके छोड़ दो है, लोग इधर उधर ढूंढ रहे है, नहीं आप अपने गुरु वाक्य के विश्वास है, भक्ति में तब प्रवेश करोगे, गुरु के ऊपर विश्वास, गुरु निष्ठा होनी चाहिए है, गुरु निष्ठा होनी चाहिए बस है, नाम निष्ठा गुरु निष्ठा भजन निष्ठा ये सब दिखाया गया है, इसलिए सतर्कता से माने सावधाना से धीरे धीरे भजन करते चलिए है। जय श्री गुरुदेव की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, जय जय श्री राम। बहुत कुछ कहते सारा रात बोलने तो मैं बड़ा हूं है, किंतु आप लोग की काम में जाना है, एक लिख करके भक्ति जा रहे हो प्रसाद रह जाएगा, इसलिए कहते भाई प्रसाद जो कष्ट करके बनाया है, आप लोग प्रसाद तो लेकर के जाओ कम से कम है।
जय जय श्री राधे है। हाँ, और भक्ति ठाकुर के सारे कीर्तन के पढ़ो, जय जय की जय जय आनंद की जय, श्री राधे। है जय भक्त जय भक्ति भी आरती कर दिया, हो आरती तो हम लोग कर दिए है, अभी प्रसाद ली है। हाँ सब प्रसाद, डोंट गो विदाउट प्रसाद, टेक प्रसाद है, महाप्रसाद की जय 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 श्री राधे है। दीदी ने अच्छा बताया, हाँ बहुत अच्छा, अध्ययन करो।